صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आज आपको पता है ना, हमारी अहदीस जो है उस पर है, ख्वाब पर है, ख्वाब पर हमारी अहदीस हैं. तो हम ये करेंगे कि सूरह यूसुफ़ में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ख्वाब है ना, तो उसकी भी हम सूरह यूसुफ़ की तिलावत सुनेंगे. और नहीं, ख्वाब वाली है ना आज हमारी. हाँ, ये अलग है. हद्दसना अबुल वलीद हद्दसना अल औज़ाई वक़ाला हद्दसनी याहिया इब्न बुकैरी. हाँ, ये उसके बाद है. तो आप लोग निकालें. हद्दसनी, मेरे पास तो यही आ रहा है, हद्दसनी सुलेमान इब्न अब्दुर्रहमानी हद्दसना अबुल वलीद हद्दसना अल औज़ाई, इसमें ख्वाब का है. ज़रा आप ये देख देंगी क्या है ना, ये लगा हुआ है हुज़मा, ये नहीं स्टार्ट हो रहा है हमारा. चलें, ताकि इस पर भी रिकॉर्डिंग हो जाए. चलें, हम शुरू करते हैं फिर तिलावत से. मिला सबको? ये देखिए, ये चार्ज हो रहा है. तो ये वहाँ से तो नहीं, दीवार से तो नहीं निकल गया ये तार जो है पीछे दीवार, ये पीछे, उसके पीछे. हाँ, इधर से तो नहीं निकल गया क्योंकि हो नहीं रहा स्टार्ट. हाँ, लगा हुआ. हाँ, चलें पहले हम तिलावत सुनते हैं सूरह यूसुफ़ की. तो ये है, आप शुरू होगा, हद्दसनी सुलेमान इब्न अब्दुर्रहमानी हद्दसना अल वलीद हद्दसना अल औज़ाई क़ाला हद्दसनी. मिली आपको ये हदीस? हाँ जी जी. चलें, तो पहले आप सूरह उसकी तिलावत सुने यूसुफ़ की. तीन आयतें हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब पे ना. मिल गई ना सबको? हाँ, चलें हम शुरू करते हैं. रब्बी इशराली सदरी वयस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इहदी क़ल्बी वसद्दिद लिसानी वसलुख़ सक़ीमत क़ल्बी. तो ये हमारी हदीस नंबर 513 है
और इसमें हद्दसनी सुलेमानी हद्दसनी सुलेमान इब्न अब्दुल रहमानी हद्दसनी वलीदु हद्दसनल औज़ाईयु काला हद्दसनी याहिया इब्न अबी कसीरिन हद्दसनी अब्दुल्लाह इब्न अबी क़तादता अनबी काला काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुया सालेहतु मिन अल्लाही वल हुलुमु मिन शैतानी फ़ैज़ा हलमा अहदुकुम हुलमन यखाफुहु फलयबसुक अन यसारिही वलयतअव्वज़ बिल्लाही मिन शर्रिहा फ़इन्नहा ला तदुर्रुहु। हम लोग कर रहे हैं ना कि इब्लीस और उसका लश्कर बदुल खल्क, सही बुखारी में ना, तो यह हदीस में ख्वाबों के बारे में बताया गया है। यह हदीस ख्वाबों के बारे में बताती है हमें कि मुझसे सुलेमान अब्दुलरहमान ने बयान किया, हमसे वलीद ने, हमसे कहा औज़ाई ने, हमसे याया इब्ने कसीर ने कहा, मुझसे अब्दुल्ला बिन अबी क़तादा ने, उन्होंने अपने बाप से, उन्होंने कहा आहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा नेक ख्वाब अल्लाह की तरफ से है और बुरा परेशान डरावना ख्वाब शैतान की तरफ से है। जब तुम में से किसी को बुरा ख्वाब लगे जिससे वो डर जाए तो जागते ही अपनी बाईं तरफ थूके और उसकी बुराई से अल्लाह की पनाह मांगे, इसको कुछ नुकसान ना होगा। तो यह हदीस हमें बताती है कि अच्छा ख्वाब जो होता है अल्लाह ताला की तरफ से होता है, बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से होता है। मतलब ये हम पढ़ते आए ना शैतान पे कि शैतान हर वक्त इंसान के साथ लगा है। एक इंसान पैदा होता है तो साथ ही एक शैतान भी पैदा हो जाता है, सोने में, जागने में, खाने में, पीने में, मियाँ बीवी के ताल्लुक में, हर चीज़ में है शैतान हमारे साथ में है। शैतान ऐसी बला है कि हर मामले में मुदाखलत करता है, हत्ता कि हमारे ख्वाबों में भी आ जाता है। तो बुरे ख्वाब कहाँ से होते हैं? शैतान की तरफ से होते हैं। तो ख्वाब जो है एक होता है शैतानी ख्वाब, और एक शैतानी ख्वाब जो होता है ना इंसान को गमगीन कर देता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, हमें शैतानी ख्वाब कैसे होता है, जो वो हमारे दिमागों में दिन में चल रहा होता है ना, जैसे कोई दावत करनी है तो टेंशन हो जाएगी, मीठा पका लूँ अल्लाह कैसे करूँगी, ज़्यादा लोगों को बोल दिया खाना कम पड़ जाएगा, या कहीं जाना हो तो टेंशन, यानी कोई जो चीज़ जो हमारे दिमाग में चल रही होती ना, जो भी टेंशन, तो वही ख्वाब में आ जाता होता है ऐसा। तो शैतान और डराता है बुरे बुरे ख्वाब आ जाएँ। तो सबसे अच्छा ख्वाब जो होता है ना अल्लाह की तरफ से होता है, और ये नबूवत का 46वां हिस्सा है। कि कौन सा हिस्सा है? अब नबूवत तो नहीं होगी, नबी तो नहीं आएंगे, वही तो नहीं आती, किताबें तो नाजिल नहीं हो रही हैं, तो नबूवत का 46वां हिस्सा होता है अच्छा ख्वाब। नेक लोगों को आ जाता है ना अच्छे अच्छे ख्वाब आ जाते हैं, तो जिसमें कोई खुशखबरी इंसान को दी जाती है। तो जब बुरा ख्वाब देख कर बुरा ख्वाब के बारे में फरमाया में तीन काम करने हैं, जब बुरा ख्वाब देखें तो क्या करना है, तीन काम हमें करने हैं जो इस हदीस में बयान हुए हैं, कि क्या है, साइड बदल लें, ठीक है, बाईं तरफ थुतकारें, साइड बदल लें नंबर एक, नंबर दो बाईं तरफ थुतकारें, नंबर तीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लें, और यानी तीन बार ताऊज़ पढ़ लें। ये तीन चीज़ें बताई गई, ये सही मुस्लिम में है। तो डरावना ख्वाब आता है तो हमें फ़ौरन ही कुछ समझ में भी बाद दफ़ा नहीं आ रहा होता कि क्या पढ़ें ना, तो सिर्फ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लें। अब मैं सारी डिटेल में दुआएँ भी बताती हूँ हमें क्या क्या पढ़ना है फिर, ठीक है। फिर क्या होता है कि मजलिसों में बैठकर अपने ख्वाब ना सुनाएं, कहीं भी गई उठी फ़ौरन फ़ोन किया, किसी का फ़ोन आया कि मैंने तो ऐसा ख्वाब देखा है, और ख़ास तौर पर मजलिसों में, और जी किसी को नहीं सुनाए। वो अब हम सूरतुल यूसुफ़ में जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया उसमें से भी देखते हैं ना, सारी तफसीर करते हैं, ठीक है। जब कोई ताबीर, क्योंकि बुरा ख्वाब जो होता है ना हवा में मुअल्लक होता है, जैसे परिंदा हवा में उड़ा होता है ना, लटक रहा होता है, ऐसे होता है। तो जब कोई ताबीर दे देता है तो वो वही हो जाता है, वो नाफिज़ हो जाता है। तो अबू सलमा कहते हैं कि मैं बुरे ख्वाब देखता था, ठीक है, और बुरे ख्वाब देखता था और बीमार पड़ जाता था, ठीक है। आखिर मैंने अबू क़तादा से सुना कि मैं भी ख्वाब देखता था, अबू क़तादा से उन्होंने सुना कि मैं भी ख्वाब देखता था। सहाबा का ये था कि वो दीनी महफिलें लगाते थे, उनके टॉपिक्स ना ये होते थे, दीन में तदब्बुर, कुरान में तदब्बुर, गौर व फ़िक्र, और आप सब ने क्या फ़रमाया था चीज़ों का, किसी को एक को नहीं पता था दूसरे से पूछता था। उनकी बातें हमारी तरह की नहीं होती थी, उसने खाने पे नहीं बुलाया, उसने शादी की तो नहीं बुलाया, उसने मुझसे मुंह मोड़ा, उसने ऐसा किया, ये सब नहीं, ये उनके हम व गम ये नहीं थे। उनके हम व गम अल्लाह से जुड़ना था, अल्लाह से जुड़ना था, और क्या हम सही कर रहे हैं क्या नहीं। तो अबू क़तादा से उन्होंने सुना कि अबू क़तादा कहते हैं कि मैं सुना था और कि मैं बीमार पड़ जाता था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना
कि अच्छे ख्वाब अल्लाह की तरफ से होते हैं, जो कोई अच्छा ख्वाब देखे तो उसका जिक्र सिर्फ उससे करे जो उसे अजीज़ हो, यानी बहुत करीबी शख्स से करे, और या तो नेक हो और पता हो कि ये फ़ौरन अच्छे ख्वाब की भी ताबीर नहीं देगा, तो उससे करे। हर एक को अच्छा ख्वाब भी ना सुनाएं, क्योंकि क्या होता है कि याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कहा था, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बेटे थे याकूब अलैहिस्सलाम, तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा था जब वो छोटे थे, तो उन्होंने कहा अपने वालिद से ख्वाब सुनाया कि मैं अब्बा जान मैंने ख्वाब देखा है कि 11 सितारे हैं जो मुझे सजदा कर रहे हैं, ठीक है। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि ला तख़सुस रोया का अला इख़्वते का फ़यकीदू लका कैदा, तुम जो है अपने भाइयों को ये ख्वाब ना सुनाना, वरना वो आपके दर पे हो जाएंगे और आपके ख़िलाफ़ कोई चाल चलेंगे, तो तुम ये ख्वाब ना सुनाना। जब तो ये सब कौन बता रहा है? अबू क़तादा बता रहे हैं किसको, कौन कौन देखा करते थे ख्वाब, किसने कहा था? अबू सलमा को बता रहे हैं, ठीक है, कि ये सब मैंने आप सल्लम से सुना है। तो क्या करें, जब बुरा ख्वाब देखें तो उसके शर से, शैतान के शर से पनाह मांगें, ठीक है। तो अब मैं आपके आगे ये आयतें हमने तिलावत सुनी ना यूसुफ़ सूरतुल यूसुफ़ की, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ख्वाब की, उसका मैं तर्जुमा भी सुनाती हूँ, और हम देखते हैं कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब ख्वाब देखा तो क्या देखा, और याकूब अलैहिस्सलाम ने उनको क्या हिदायत की। ना देखे, अब ये है कि ये ख्वाब देखा, सूरतुल यूसुफ़ का तर्जुमा मैं करती हूँ, पहली चार से छः आयत तक हमें मिलता है इसका ज़िक्र, सूरतुल यूसुफ़ की आयत नंबर 4 से 6। ये उस वक्त का ज़िक्र है जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा, अब्बा जान मैंने ख्वाब देखा है कि 11 सितारे हैं और सूरज और चाँद हैं और वो मुझे सजदा कर रहे हैं। क्या है उनका ख्वाब? आप लोग सूरतुल यूसुफ़ जाके देख लिया, कितने सितारे देखे उन्होंने? 11 सितारे हैं और सूरज और चाँद हैं और वो सब मुझे सजदा करें, सूरज चाँद भी सजदा कर रहे हैं और 11 सितारे भी सजदा करें। अब देखिए उसकी ताबीर भी आती है, सब हम पढ़ते हैं। जवाब में उसके बाप ने कहा, कौन थे बाप? याकूब अलैहिस्सलाम, अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को ना सुनाना, वरना वो तेरे दर पे आज़र हो जाएंगे। हकीकत ये है कि शैतान जवाब में उसके बाप ने कहा, बेटा अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को ना सुनाना, वरना वो तेरे दर पे हो जाएंगे। हकीकत ये है कि शैतान आदमी का खुला दुश्मन है, ठीक है, और ऐसा ही होगा जैसे तूने ख्वाब में देखा है कि तेरा रब तुझे अपने काम के लिए मुंतखब करेगा और तुझे बातों की तह तक पहुँचाना सिखाएगा और तेरे ऊपर और आले यकूब अलैहिस्सलाम पर अपनी नेमत इसी तरह पूरा करेगा जिस तरह उससे पहले वो तेरे बुज़ुर्गों इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इसहाक़ अलैहिस्सलाम पर कर चुका है। यकीनन तेरा रब अलीम और हकीम है। अब हम देखते हैं कि इन सब का क्या तशरीह है, ठीक है। उन्होंने ख्वाब की ताबीर भी बता दी, याकूब अलैहिस्सलाम क्योंकि पैगम्बर थे ना। अच्छा, अब ये है कि ये वो ज़माना है, ये 19वीं सदी कबल का ज़माना है। ये जो ख्वाब हम सुन रहे हैं ना, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जो ख्वाब देखा, तो कौन सा ज़माना है? 19वीं सदी कबल का ज़माना है। ईसा अलैहिस्सलाम से 1800 साल पहले की बात है। ईसा अलैहिस्सलाम से कितने साल पहले? 1800। देखिए हमें पता चलता जाता है ना कौन से पैगम्बर पहले आए थे। और आप और वालदेन जब ये किस्सा शुरू हुआ तो फ़लस्तीन में रहते थे। कहाँ रहते थे याकूब अलैहिस्सलाम के वालदेन? जब ये ख्वाब देखा उन्होंने, फ़लस्तीन में रहते थे, पैलेस्टाइन। तो मौजूदा पैलेस्टाइन। तो ये कहाँ रहते थे? किनान के इलाके में रहते थे। काफ नून ऐन अलिफ नून, किनान के इलाके में रहते थे। उनके एक और भाई थे बिन्यामीन। यूसुफ अलैहिस्सलाम के एक भाई कौन थे? बिन्यामीन। ये दोनों भाई एक माँ से थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन एक माँ से थे, बाकी भाई दूसरी माँओं से थे। तो कुल ये लोग 12 भाई थे। ये दो हो गए यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन, और उनके 10 भाई, तो कितने हुए टोटल? 12, ठीक है। ये 12 भाई थे, ठीक है। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कहते हैं अपने वालिद याकूब अलैहिस्सलाम से कि या अबती, ऐ मेरे वालिद, मैंने 11 सितारे देखे और सूरज और चाँद देखे जो मेरे आगे सब सजदा कर रहे हैं। अब सूरज और चाँद से मुराद उनके वालिदैन हैं और 11 सितारों से मुराद उनके 11 भाई, ठीक है। और वो ख्वाब क्या देखते हैं कि मेरे आगे बहुत एहतराम से झुके हुए हैं ये लोग, मेरे आगे 11 सितारे सूरज और चाँद झुके हुए हैं। तो ख्वाब जो है, मैंने अभी आपको बताया कि 3 तरह के होते हैं।
एक जो है दिल की बात, यानी जो बातें हमारे दिल में होती हैं वही वो हमें ख्वाब में नज़र आती हैं, जो हम सोच रहे होते हैं दिन भर, ठीक है। शैतान नंबर दो होता है शैतान का डरावा। शैतान जैसे जागते हुए भी हमारे जहन में वसवसे डालता है, दिलों में वसवसे डालता है, सोते में भी हमें डराता है, क्योंकि हमने पढ़ते आ रहे हैं इब्लीस और जो उसके लश्कर, ठीक है, तो हम यही पढ़ रहे हैं कि शैतान के मुतालिक पढ़ रहे हैं कि वो हर जगह मौजूद है, हर जगह हमें हमारे साथ लगा होता है। अब कोई आपका पीछा कर रहा होता है तो आपको पता चल जाता है कोई इंसान, अब डर रहे होते हैं कि मेरा कोई पीछा कोई कर रहा है, कोई मर्द हो कोई हो। आजकल तो खैर ऐसी ओछी ओछी हरकतें नहीं करते, पहले ज़माने में तो सुनते थे कि औरतों का पीछा करते थे, आज सब आजकल तो वो इसलिए ख़त्म हो गया है कि व्हाट्सएप है, फ़ोन है, सब कितनी चीज़ें हैं ना पीछा करने के लिए लड़कियों का, औरतों का। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो पहले ये बहुत होता था कि अक्सर बच्चियाँ भी आके ना माओं को बताती थी फ़लाँ मेरा पीछा कर रहा है, फिर वो माएँ नीचे उतरती थी, सब छोड़ती थी, लेती थी। तो ये शैतान तो हमें कितना डर होगा ना, तो ये हर बात में मुदाखलत करता है ना। तो ये तीसरा जो है अल्लाह की तरफ से अच्छा ख्वाब जो होता है ना वो अल्लाह की तरफ से होता है, जो खुशखबरी अल्लाह ताला हमें देते हैं, ख्वाब में नज़र आती है खुशखबरी। अच्छा, तो जो नेक ख्वाब होते हैं ना वो तीसरी किस्म का ख्वाब होता है, ये अल्लाह की तरफ से बशारत होती है। इसके बारे में हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चा ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है। कौन सा हिस्सा? 46वां हिस्सा है। तो अब नबी तो नहीं है मगर हाँ, अब क्या होता है कि हाँ हमको भी ख्वाब के ज़रिए अल्लाह ताला कोई बशारत दे देते हैं, आपको भी दे देते हैं ना कोई ख्वाब सच। के फिर अच्छा, अब क्या हुआ कि उनको याकूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके भाई और वालदैन आपके आगे झुक जाएंगे। इनको याकूब अलैहिस्सलाम बता रहे हैं कि एक वक्त आएगा, ये यूसुफ़ अलैहिस्सलाम आपके झुक जाएंगे, यानी अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त अता करेगा। और ये ताबीर जो हुई ना 40 साल बाद रोनुमा हुई, जो उन्होंने देखा कि मुझे और बहुत इज़्ज़त से मेरे लिए झुके, वो एक बशारत दे दी कि ऐसा वक्त आपके आगे झुक जाएंगे, यानी अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त अता करेगा। और ये ताबीर 40 साल बाद रोनुमा हुई। वो तो सूरह यूसुफ़ अब जब पढ़ेंगे ना, आप भी पढ़ लें, अब जब हमारी तशरीह में आएगी तो हमें सारी कहानी पता चलेगी। आज हम सूरह यूसुफ़ नहीं कर रहे हैं, ये तो हमारी हदीस है, हम ख्वाब का जो हिस्सा है वो कर रहे हैं, इससे ही बताया जाता है ना। तो बास कहते हैं कि 80 साल बाद, बहरहाल हकीकत में तो अल्लाह ही को इल्म है कि 80 साल बाद ये वो सब चीज़ें ख्वाब की ताबीर मिली यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को 40 साल बाद। तो हकीकी शक्ल ये कि ख्वाब की ताबीर एक लंबे अरसे के बाद हुई, जब उन्होंने अपने वालदेन को तख्त पर बिठा लिया था। उन्होंने वाकई बिठाया अपने वालदेन को, वो मिनिस्टर बने थे मिस्र के, और उन्होंने बुलाया अपने वालदेन को बिठाया। और उस वक्त उनके भाई उनके सामने झुके हुए थे, जिसका जिक्र इस सूरत में आयत नंबर 100 में आता है। ये सब जिक्र कहाँ आता है? ख्वाब की ताबीर का 100 में। और शुरू की 4 से 6 जो है उसमें उनका ख्वाब है, जो अपने वालिद से बयान करते हैं, वालिद ताबीर देते हैं, कौन? याकूब अलैहिस्सलाम। वखर लहू सुजदन, और यूसुफ बोले, या अबती हाजा ताविलु रोया मिन कबली, यह है ख्वाब की ताबीर जो इससे पहले मैंने देखा था। वखर लहू सुजदन, जब वो झुक गए उनके आगे सजदा करते हुए, तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अबती, ऐ मेरे वालिद, ये तावील है उस रोया की, उस ख्वाब की, जो मैंने उससे पहले देखा, मेरे रब ने उसको सच कर दिखाया। आयत नंबर 100 में इससे पता चलता है कि जो सच्चे ख्वाब होते हैं उनकी ताबीर होती है, और ताबीर सामने आ जाती इस सिलसिले में हमें ये रहनुमाई दी गई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी, पसंदीदा ख्वाब देखे तो उसे, लेकिन किसी के सामने जो खैरख्वाह हो और जो हासिद ना हो, जो आपका खैरख्वाह हो जो हासिद ना हो, उसके सामने ना करें। जैसे कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम के, वो कि उसके 11 भाई जो उसके हासिद हैं, तो क्या कहा कि अपने भाई, वरना वो तेरे दर पे हो जाएंगे। और ये कि नापसंदीदा हो ख्वाब देखे तो, और जब नापसंदीदा हो ना तो क्या करें कि करवट बदल ले, जिस पहलू पर आप सोए हैं उसे तब्दील कर, से आप राइट पर हैं तो लेफ़्ट हो जाएं, लेफ्ट। इस ख्वाब के शर से अल्लाह ताला की पनाह मांगे, और किसी के सामने इस ख्वाब को बयान ना करें, जिक्र ना करें, मुंह से ना निकालें, ताकि इससे कोई नुकसान, फिर उससे कोई नुकसान ना होगा। तो आपका तरीका था कि फजर की नमाज के बाद आप बैठते और सहाबा कराम से ख़ुद पूछते
अगर किसी से किसी ने ख्वाब देखा है तो मुझे बताए। फिर सूरह यूसुफ ये जो है, फिर वो उनको ख्वाब बताते थे ना बैठ के, ख़ुद भी ताबीर करते थे और सहाबा से भी कहते थे कि ताबीर करें। ये कब कब करते थे? फजर के वक्त करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। अगर ख्वाब अच्छा है तो उसको सुनाएं वो, और खैर कोई खैर ख्वाह है तो उसको सुनाएं, वरना किसी को कोई बात ना सुनाएं। लेकिन अगर कोई शख्स ऐसा है कि आपका राइवल है, के पास ज़्यादा दौलत है, दूसरे के पास नहीं है, तो हसद करते हैं। शौहर बीवी भी बात, अल्लाह घर ना तोड़े, मोहब्बतें रखें, मम्मी ज़ारे सबसे ज़्यादा खैरख्वाह दुनिया में, भाई बहन भी अगर आपको लगता है कि हासिद है मेरे, ठीक है, मियाँ से कहा भाइयों को ख्वाब ना सुनाना, कहीं वो नुकसान ना पहुंचाएं। और फिर अगर ख्वाब परेशान, अच्छे ख्वाब पर क्या होता है, इत्मीनान हो जाता है, बुरे तो क्यों, किसी को ख्वाब परेशान की जाए तो वो ऐसे है जैसे अभी नहीं बयान करते, तो अभी वो परिंदों के पाँव पर है, यानी जो हवा में मौलक है होते हैं, अभी उतरा नहीं, जब तक आपने नहीं सुनाया तो ख्वाब वाकई नहीं हुआ। जब ख्वाब की ताबीर बयान कर दी जाए तो वो वकूअ पज़ीर हो जाता है। अगर आपने किसी को ख्वाब सुनाया और उसने कह दिया कि हाँ, वकूअ पज़ीर हो जाता है, जैसे कि परिंदा नीचे आ गया, वो मौलक था ना तो परिंदा नीचे आ गया, इस तरह आपका ख्वाब। इस मामले में हमें बेहद एहतियात करनी, समझ आ रहा है, सिवाय करीब तरीन लोगों के जो जिन पर आप एतमाद करें, उनका ख्वाब किसी को ना सुनाएं। अच्छा, वैया कस्तईन में, वैया कनस्तईन में दुआ है ना, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि तामाति मिन ग़दबिही व इक़ाबी व मिन शर्रि इबादीही, है ना, है ना, ये वाली दुआ है, ठीक है। उसके बाद दूसरी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अमल शैतानी व सैयातिल अहातुना शयन, अल्लाह मैं अपने आप को तेरी पनाह में देती हूँ शैतान के अमल से और बुरे ख्वाबों से, ठीक है। क्योंकि ये जो, फिर इससे क्या होता है कि आप बच जाते हैं ना, अल्लाह ताला आपको बचा जाते हैं, ये अल्लाह तू मेरी हिफाजत नहीं है तो अल्लाह तू मेरी हिफाजत कर और मेरे दिल से उसका ख्याल चला जाए, जो बुरा ख्वाब है ना, दिन भर भी परेशान करते रहते हैं, तो ये आप दुआ पढ़ लेंगे ना, पढ़ती है ना ये दुआ, तो खुद को नहीं है बगैर जाए इसके तो माशाल्लाह जी, तो बिल्कुल खुद को जो है आप नगेट करें, बजाय इसके कि उसको हम हावी करें, जैसे ये कहती मैं उठ के पढ़ लेती हूँ तो क्या, और क्योंकि ख्वाब तो है, ख्याल है ना, तो हकीकत नहीं है। और फिर जो है एक और दुआ भी आपने पढ़ी होगी ना, अच्छा, और ये जो दुआ है ना, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि तामाति मिन ग़ज़बी विक़ाबी व मिन शर्रि इबादी व मिन हमज़ाति शयातीन अन यहदुरून, ये आपको दहशत होती है, घबराहट होती है जब भी पढ़े वैया कनस्तईन में, मैं पेज नंबर भी आपको बताती हूँ, तो वहशत के वक्त भी पढ़े, रात को नींद ना होती तो भी पढ़े, ख्वाब आ जाए उसके बाद भी पढ़े। और ये दूसरी दुआ भी जो ये कहती है ना, मैं पढ़ती हूँ, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अमली शैतानी वस सैयातिल अहलामी फ़इन्ना ला तकूना शयन, कि अल्लाह मैं अपने आप को तेरी पनाह में देती हूँ शैतान के अमल से और बुरे ख्वाबों से, तो उसे क्योंकि वो कोई हकीकत नहीं रखती, अल्लाह तू मेरी हिफाजत कर और मेरे दिल से उसका ख्याल निकाल दे, ख्याल चला जाए। तो ख़ुद को भी निगेट करें, क्योंकि ख्वाब तो ख्वाब है और ख्याल ही है, हकीकत नहीं है जब तक के वाक़े ना हो जाए, इसीलिए कहा जाता है कि उसको बयान ना करें। फिर एक और दुआ है, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि तामाति ना ला युजावज़ु, एक करके दुआ है ना, मैं आपको आखिर में फिर सुनाती हूँ ना, ताकि हमारा ये सारी हदीसें कवर हो जाए, पेज नंबर बता देती हूँ ना। तो ये दुआ जो है ना, उससे एक साहबी ने आप ससम को फरमाया कि अगर मैं ये दुआ ना पढ़ता ना तो अहले किताब जो यहूद जो है मुझे कुत्ता बना देते, वो ऐसी दुआ है कि कोई आपको बिगाड़, क्योंकि जादू तो बहुत तरह के होते हैं ना, तो वो कहते हैं ये वाली दुआ है। अच्छा, क्योंकि कुछ वाक़ात इंसान चाहता तो नहीं मगर उसमें उसकी भलाई होती है, ठीक है ना, तो ये जो हम दुआ पढ़ेंगे ना कि ये अल्लाह मुझे इससे बचा ले, तो हम तो नहीं चाहते, लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होता है, किसी शर में भी खैर होता है, अगर शर आ जाए तो असा अन तकरो शयन वयजल्लाहु मिन फी खैरन कसीरन के मफहूम में, कि बाज़ दफ़ा कोई बुराई हो जाती है ना, तो असा अन तकरो शयन, सूरतुल बकरा में आपने पढ़ा ना कि तुम किसी चीज़ को बुरा समझते हो, है ना, वो हमारे लिए मुनकर है, बुरा है, वयजल्लाहु फी खैरन कसीरन, वयजल्लाहु फी खैरन कसीरन, तो अल्लाह ताला उसमें खैर भी रख देता है बाज़ दफ़ा, ठीक है, तो उसके मफहूम में।
ला तख्सुस रुया का कि आप ये उन्होंने फरमाया था ना याकूब अलैहिस्सलाम ने कि अपने भाइयों को ख्वाब का ज़िक्र ना करना, वो तेरे ख़िलाफ़ चाल चलेंगे। तो इससे हमें क्या पता चलता है याकूब अलैहिस्सलाम की इस बात से, सूरतुल यूसुफ़ की जो हमने शुरू की आयत पढ़ी, इससे पता चलता है कि जो आपका हासिद हो, जॉब प्लेस पर हो, या आपके रिश्तेदारों में हो, पड़ोस में हो, सहेलियों में हो, आपको पता चल जाता है कि कौन आपका दोस्त है, कौन आपसे हासिद है ना। तो क्या करें, उसके साथ बात करने में एहतियात बरतें, उसके साथ बहुत एहतियात बरतें बुरे ख्वाब में। इस हदीस में ये तालीम दी गई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी हाजात की तालीम में तकमील, अपनी हाजात की तकमील में खामोशी से काम लो, कुछ मन से मंसूबे बनाओ तो वक्त से पहले ऐलान ना करो। जब तक आपके मकसद की तकमील नहीं हो जाती, आप ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, आपकी हाजत पूरी नहीं हो जाती, उसकी तकमील नहीं हो जाती, वो काम पूरा नहीं हो जाता, तो खामोशी से काम लें। हज का वीज़ा अप्लाई किया है, खामोश हो, ढंडोरा नहीं पीटना कि मैंने वीज़ा कर दिया, मैं जा रही हूँ। ये कौन कह रहे हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि कुछ मंसूबे बनाओ तो वक्त से पहले ऐलान ना करो। अच्छा, वहीं क्यों वइन्ना कुल्ली ज़ी नेमतिन महसूद, क्योंकि हर साहिब नेमत से हसद किया जाता है। वइन्ना कुल्ली ज़ी नेमतिन महसूद, क्योंकि हर साहिब नेमत से हसद किया जाता है। जिस शख्स को भी कोई नेमत मिलती है उससे हसद ज़रूर होता है। कोई बिज़नेस करने लगी हो, कोई घर आपको ढूंढ रही हो, मिलने वाला हो, अभी तो बयाना दिया है, बातचीत, कोई भी आपका काम हो, जब तक आपके हाथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं आ जाता, घर का, दुकान का, मकान का, प्लॉट का हो नहीं जाता है, पेमेंट नहीं हो जाती, आपके हाथों में नहीं आए, तो नहीं कहें। बताएं क्यों मना के आपसे सबने कि तकमील से पहले, इरादों की तकमील से पहले खामोशी इख्तियार करो, बताओ ना क्यों? जी क्या जी, रिश्ता भी है, कोई भी काम रिश्ता भी आता नहीं बताओ, क्योंकि वो पहले ही उसको कह देंगे ये ऐसी है, वैसी है, वैसी है। अच्छे लोग नहीं, अच्छे लोग आपकी अच्छी बात कर, खैर ख्वाह नहीं, जो आपके हासिद होंगे ना वो जाके आपका काम ख़राब करके आए। देखिए ये अल्लाह के रसूल बता रहे हैं, है ना, ये अल्लाह के रसूल बता रहे हैं। कह रही कि वो नहीं बताते प्रेगनेंसी भी, जबकि सारा जो भी नेमत मिलती है उसे हसद ज़रूर होता है। बाज़ लोग अपना हसद ज़ाहिर कर देते हैं और बाज़ लोग ज़ाहिर नहीं करते, बाज़ लोग जो है क्या करते हैं, ज़ाहिर नहीं करते हैं और हमारे दोस्त बने रहते हैं, हालांकि वो हमारे हासिद होते हैं, वो डुअल फेस भी होते हैं ना, ऊपर से कुछ उनकी दुश्मनी नज़र नहीं आती है, तो कुछ ना कुछ उनके ज़रिए नुकसान उन पर उनके पास चला जाता है, उनको और बहकाता है ये तो ऐसी हैं, ये तो ऐसी हैं, इनके घर में तो ये, और खुसूसन ताल्लुकात के बिगाड़ भी पैदा करता है ना, ख्वाह वो ताल्लुकात शोहर बीवी के हो, शैतान उनके दरमियान फूट डलवा देता है। ठीक है, ख्वाह बहन भाई हो, दोस्तों में, सब रिश्तेदारों में, वो दुश्मन क्या करता है, जुदाई डाल देता है। उसका तो काम ही होता है, वो तो समंदर पर तख्त बिछाता है और सारे हरकारों को, अपने सारे शैतान को भेजता है कि जाओ तुम फसाद करो। ठीक है, एक आता है, कहता है मैंने भाई बहनों में तुम मिल लेंगे, वो कहता है मैंने माँ बेटे में झगड़ा करे, कोई बात नहीं, वो कल भाई बेटा सॉरी कह देगा, वो कहता है मैंने मियाँ बीवी में झगड़ा, कहता है अंता अंता तू ही है, अब ताज तुझे ही पहनाऊंगा मैं, तो उसको सर पे ताज रखता है वाकई, कि उसको पता है कि एक घर बिगड़ेगा तो 100 घर बिगड़ जाएंगे, है ना, एक बेटी के घर खराब हुआ तो सारे उसके खानदान वाले उस लड़के वालों से बात नहीं करेंगे, लड़के का बिगड़ा तो कितने 100 जितने घर होंगे पूरे माशरे में खराबी हो, उसको पता है कि यहाँ से अटैक करो, मियाँ बीवी को लड़वाओ, तो बहुत होशियार हैं। सुबह के वक्त तो कभी कुछ ना कहें शोहरों को, वो निकल रहे हों या घर में हों, आप सुकून रखें ना आराम से, एक गुस्से में होता है, दूसरा जो है पीछे भी हमने पढ़ा था ना आधी से, आप यही पढ़ रहे कि दूसरा जो है ना खामोश हो जाए, फिर आराम से उसको समझाए, उस वक्त तो कोई जो इंसान बहुत ज़्यादा तैश में गुस्से में होता है तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, तो खामोश हो जाए, बर्दाश्त कर लें। तो क्या होता है कि वो फिर अच्छा, अच्छी फम्मा बदार औलाद और अच्छे शोहर और अच्छे दोस्त सब क्या हैं, ये सब नेमत है, जिसको नेमत मिली है उनका इम्तिहान भी सख्त होता है, ये सब नेमत भी है, फिर इन्हीं के ज़रिए हमें जो है कुछ ना कुछ जो टेस्ट आ जाता है, तो हमारा ये भी होता है। अब क्या होता है कि अब इन्होंने जो बताया ना, अब वो जो है आखिर में देखते हैं कि वो ख्वाब की ताबीर देते हैं ना अपने बेटे को, देखिए उसको भी सुने, ये तो उन्होंने ख्वाब बताया सारा, तो उन्होंने कहा कि तुम नहीं बताना, तुम्हारे भाई तुम्हारे दर पे हो जाएंगे। ठीक है, तो सूरतुल यूसुफ़ की जो ये आयतें मैंने पढ़ी, तो वो ख्वाब की ताबीर भी देते हैं कि वह कज़ा लेका यश तबी का रब्बू का, और ऐसा ही होगा जैसा तूने ख्वाब में देखा है, तेरा रब तुझे अपने काम के लिए मुंतखब करेगा।
यश तभी का रबुका वही अल्लमुका मिन तावीरिल अहदीस से, और तुझे बातों की तह तक पहुंचाना सिखाएगा। ठीक है, आप इसको इसको नोट करें, तावीलिल अहदीसी, तावीलिल अहदीस से बातों की तह तक पहुंचाएगा और तेरे ऊपर और आले वही युतिम्मा नेमत अलेका व अला आले याकूबा कमा तम्मा अला बवई का मिन कबल इब्राहिमा व इसाका इन रबका अलीम हकीम, और तेरे ऊपर और आले याकूब अलैहिस्सलाम पर अपनी नेमत इसी तरह पूरा करेगा जिस तरह उससे पहले वो तेरे बुजुर्गों इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसाक अलैहिस्सलाम पर कर चुका है, यकीनन तेरा रब अलीम और हकीम है। देखिए याकूब तो उनके वालिद थे, ठीक है, इब्राहिम उनके दादा थे और इसहाक उनके परदादा थे, समझ आ गई ना, आयत आपके हाथ में है जी, पहले इसहाक थे फिर इब्राहिम थे फिर याकूब हुए, इब्राहिम यूसुफ है, तो यूसुफ कहते हैं कि कौन सी नेमत पूरी करेगा, जिस तरह से उनको पैगंबर बना चुना इस तरह आले याकूब को भी अल्लाह चुन लेगा और जो है नबुवत देगा, वो तो खुद नबी थे ना याकूब अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम। ठीक है, अच्छा अब ये जो आपने लफ्ज़ पढ़ा ना कुरान का तावील अल अहदीस, ठीक है, तो अब ये है कि क्या हुआ कि ये याकूब अलैहिस्सलाम ने ताबीर की कि अल्लाह तुम्हें नबुवत से सरफराज करेगा, कहा ना जिस तरह तुम्हारे आबा अजदाद को किया तो तुम्हें भी नबुवत से, ये उन्होंने ताबीर दे दी जब उन्होंने कहा कि मैंने 11 क्या देखे, कौकब देखें, सितारे देखें, सूरज चांद देखें, सब मुझे सजदा कर रहे हैं, तो वो ताबीर देते हैं कि अल्लाह तुम्हें नबुवत, वो ताबीर तो मिल गई कि भाइयों ने सजदा किया, वो तो उन्होंने नहीं कहा, वो तो वक्त ने उनको बताया कि भाई ने सजदा किया, वो तो सूरह यूसुफ में आप पढ़ेंगी और जाके भी पढ़ लीजिए, पढ़ावा भी है, तो अल्लाह ताला तो याकूब सामने ताबीर करते हैं अल्लाह तुम्हें नबुवत से सरफराज करेगा और बातों की तावील का इलम देगा। देखें ये आदि देखें यू वयु अल्लिमुका मिन तावील आदीसी, तावील किसको कहते हैं, तावील का रूट वाले अलिफ वलाम, अलिफ वलाम से निकला है यानी अवल, ठीक है, अवल भी है, अवल भी है, तो ताउल कहते हैं, तावील है ना ताउल, तो ताउल कहते हैं असल हकीकत, ठीक 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 होना, ठीक है, अहदीस इसका मतलब होता है अहदीस, अहदीस कहते हैं हदीस की जमा को, देखिए उन्होंने कहा ना कि युअल्लिमुका मिन तावीलिल अहदीस, ठीक है, अहदीस कहते हैं हदीस की जमा को, कलाम को, तो इसका मतलब ख्वाब भी होता है, बात भी होती है, ठीक है, कुरान भी है, हदीस है, अल्लाह ताला ने जो है कुरान को भी हदीस कहा है कि है अल्लाहु तनज़्ज़ुलुल अहसनुल हदीस, या आप व्हाट्सएप पे डालिएगा अल्लाहु तनज़्ज़ुलुल अहसनुल हदीस, कि अल्लाह ताला ने बेहतरीन कलाम बेहतरीन हदीस उतारी है, तो अल्लाह ताला ने कुरान को भी हदीस कहा है, तो हदीस से मुराद क्या है, कलाम जो इंसान तक पहुँचे, वही है, ख्वाब अच्छे ख्वाब है, ख्वाब है, बात है जो कुरान के ज़रिए पहुँचे, तो तावील बात सुनकर उसका असल मकसद समझ जाना, तावील का क्या मतलब है, बात सुनकर उसका असल मकसद समझ जाना, यही चीज़ याकूब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम से कि अल्लाह तुम्हें इल्म देगा बातों की तावील तक पहुँचने का, ठीक है, तो तावील होता है कि बातों बात सुनकर उसके असल मकसद तक पहुँच जाना, उसको समझ जाना, उसकी गहराई तक चले जाना। अब हम गहराई के कुछ मिसालें आपको देती हूँ, ठीक है, ऐसा हुआ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक, कुछ लोग होते हैं बात को सिर्फ सुन लेते हैं ऊपरी तौर पे, कुछ जो है अंदर तक मकसद समझ लेते हैं कि फ़लाँ कहना क्या चाह रहा है, जिस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने को तावील समझ में आ गई थी, किसकी साथ तावील समझ में आ गई थी, जब सूरतुन नसर नाजिल हुई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा जा नसरुल्लाहि वल्फतह वरअयतन्नासा यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका, ठीक है, तो उन्होंने कि जब फ़तह व नुसरत आ जाए, इज़ा जा नसरुल्लाहि वफ़तुन करीब, इज़ा जा नसरुल्लाहि जब आ जाए और तुम देखो कि लोग दीन में फ़ौज दर फ़ौज शाम दाखिल हो रहे हैं, तो तुम अल्लाह की तस्बीह करना है ना, इज़ा जा नसरुल्लाहि, सब लोग बोले ज़ोर से, इज़ा जा नसरुल्लाहि, ज़ोर से बोले, हाँ बोले बोले, इज़ा जा नसर, बोले ना ये आपको शैतान ने बुला दिया, हाँ मैंने पूरी सुनाई अभी, वरायतन नासा यद खलूना फ़ी दीनिल्लाह, और तुम दो अफवाजा लोग फौज दौर जो दीन में दामिल दाखिल हुए, फसब्बे भी हमदी रब्बी का, और तो अल्लाह ताला की तस्बीह और तहमीद बयान करो, उसकी हम बयान करो, फसब्बे भी रब्बी का हमद का, फिर इन्नहु काना तवाबा, और वो माफ़ करने वाला है, तौबा कबूल करने वाला है,
तो जब ये आयत नाजिल हुई ना तो हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु रो पड़े। उनकी समझ में आ गया कि अब मिशन पूरा हो गया है, फ़ौज दर फौज लोग दीन में शामिल हो गए हैं और अब आप ससम की जो है विसाल का वक्त करीब आ गया है। ये होती है ये जो आयत में कहा गया ना, आज पढ़ेंगी सूरह वो जाके सूरह तो यूसुफ पढ़ेंगी जाके, नहीं पढ़ेंगी? वही अल मुका मिन तावील अहादी से, और तुझे क्या बताएगा, तुझे मुंतखब करेगा, तुझे बातों की तह तक पहुंचना सिखाएगा। तो तावील ये होती है, तावील का मतलब होता है, आपकी तो तशरीह हो गई ना कुरान की भी माशाल्लाह, तावील का मतलब होता है कि बात सुनकर उसका असल मकसद समझ जाना, उसकी गहराई तक चले जाना। था हदीस का सबक और कुरान, तो कुरान और हदीस तो रिलेटेड है ना, इंटर रिलेटेड है ना, ठीक है ना। मैंने कहा मैं बहुत तफसील में कर दूँ क्योंकि आप लोग फिर मेरा एक हदीस देख के शक्ल देखते हैं कि इसकी शरह इसकी तफसील क्या, ठीक है ना। मज़ा ही नहीं है जब तक इंसान तफसील ना पढ़े ऊपर से गुजर जाए। हाँ और कितने लोग मिस करते हैं। आज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह उन्होंने पूरा कुरान नाजिल नहीं हुआ था, जैसे ही ईमान लाए जो चाशनी और हलावत खुद महसूस की वो जाके लोगों को इज़्ज़त उस्मान गनी अली रदी अल्लाह अन्हु को ले आए, फ़ौरन मुसलमान कर दिया। यानी आप भी जो चाशनी और हलावत महसूस कर रही हैं आज आपने ये पढ़ा, अब जो बहनें नहीं आई हैं पूरी जितनी आपकी जुमे के दर्स में आती है आपको उनको कहना है कि देखिए हमें तो ये अच्छा लगा और इस तरह हमने ये सब पढ़ा डिटेल में ख्वाबों का, कि वरना आप कितनी परेशान, अब दुआएँ भी आ गई आपको, अब आपको ना किसी को पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, भैया कनस्तहीन भी आपके हाथ में है, स्कॉलर जो हैं उस्ताद फरहत हाशमी उन्होंने हर चीज़ हमारे हाथों में दे दी है ना, हर चीज़। हाँ तो वो अब मैं अभी आपको सुना भी देती हूँ, मैंने कहा ये दर्स लंबा हो जाएगा मैं सुना देती हूँ, ठीक है। तो ये तावील समझ गया। उसके बाद एक मरतबा जो है अबू हुरैरा के मुतालिक आप जानते हैं, वो भी हदीसों के बहुत हरीस थे और लोग कहते थे अबू हुरैरा तो हर वक्त हदीसें ही सुना रहे होते लिख रहे होते, वो कहते थे अबू हुरैरा जब लोग दुनिया में मशगूल होते थे बाज़ार जाते थे शॉपिंग करते थे तो मैं नहीं जाता था, हालांकि देखिए वो भी ज़रूरी होता है क्योंकि असहाबे सुफ़ा थे ना, असहाबे सुफ़ा तो आए थे मुख्तलिफ जगहों से इल्म हासिल करने, और चबूतरा जो आज भी वो बना हुआ है मस्जिद नबी के सामने वो रश में आपको नज़र नहीं आता है, तो वहाँ बैठते थे और ना कारोबार करते थे ना घर बार ना बच्चे, सिर्फ खालिस इल्म के लिए बैठे रहते थे और उनको खजूरें दी जाती थी ना तो उससे अपना पेट भरते थे, तो उनसे भी हमें 2500 से ज़्यादा आधी समय मिलती। तो अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु क्या हुआ कि एक दफ़ा किसी जगह बैठ गए रास्ते में, अब ये तावील की बात होती है ना कि अल्लाह तुम्हें बातों की तावील सिखाएंगे, वही अल्लिमों का क्या था आयत क्या थी याद करें, वही अल्लिमों का मिन तावील अहदीस से, अहदीस तो आप समझ गए ना हदीस की जमा, यानी बात करना है, कलाम करना है जो इंसान तक पहुँचे, कौन सा कलाम जो वही के ज़रिए पहुँचता है, जो नेक ख्वाब नेक लोगों को आता है, जो बात कुरान के ज़रिए पहुँचती है। अल्लाह ताला ने कुरान को भी क्या कहा है, अल्लाह तनज़्ज़ल अहसनुल हदीस, के अल्लाह ताला ने अहसन हदीस अहसन बात उतारी है, ठीक है। और तावील क्या है, बात की तह तक पहुँचना। तो हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु एक दफ़ा बैठ गए एक दफ़ा रास्ते में, तो वहाँ से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हु सलम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हु गुजरे, तो उन्होंने वो हदीस वो आयत सुनी ना कि वो जो है ना लपट कर लोगों से मांगते नहीं हैं और जो है गाल के नीचे हाथ रख के सो जाते हैं ना, तो ये आयत आप डालिएगा। इलाफन का लफ्ज़ डालें तो आपको आ जाएगा, इलाफन अलिफ लाम हा अलिफ फा अलिफ इलाफन इलाफन, सिर्फ ये डाल दें तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि अगर मैं हर आयत वो करूँगी ना तो हमारा बहुत लंबा लंबा हो जाएगा, ठीक है। वो फिर हम डाल देंगे ना कमेंट्स में भी डाल देंगे, तो जो देखना चाहें ऑनलाइन भी वो भी देख लेंगे कि वो लपट करना इंटरप्रिटेशन का मीनिंग है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो वाकई ज़रूरतमंद होते हैं, बस साहब सुफ़त है उनके पास तो माश भी नहीं था ना, माश के लिए भी नहीं जाते थे वरना इल्म कैसे हासिल करते। कुछ स्कॉलर्स कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनिया में, अल्लाह ताला ने आजकल तो सबको सब दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आजकल तो बहुतात है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे आपको मिलेंगे जो दीन के कामों के लिए निकलते हैं ना तो उनके पास पैसा नहीं होता है। तो अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु को बहुत भूख थी, तो वो जो क्या करे उन्होंने क्या किया कि कुछ ऐसे भी हैं जिनके शौहर और सब कमा के ला रहे होते तो अल्लाह के लिए काम कर रहे होते हैं फिर सबीला, लेकिन सब एक तरह के नहीं होते, तो वो बैठ गए और उन्होंने ये वाली आयत सुनाई, जिसका मतलब मैंने बताया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लपट कर लोगों से सवाल नहीं करते हैं और गाल के नीचे हाथ रख के भूखे सो जाते हैं, कुछ इस तरह का इंटरप्रिटेशन ऑफ द मीनिंग है, फुल मीनिंग भी मैं नहीं बता रही। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ गुजर गए उनकी बात सुन के आयत सुन के, वो तो समझे आयत सुना रहे। हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु गुजरे उनको भी आयत सुनाई, वो भी गुजर गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते हैं तो पूछा क्या अबू हुरैरा तुम भूखे हो,
अबू हुरैरा तुम भूखे हो, क्योंकि वो लपट कर नहीं मांगते वो लोग। तो ये आयत तो ज़रूर देखिएगा जाके ना। चले अगर टाइम हुआ तो मैं ये भी सुना देती हूँ, लेकिन हमारा तो एक अभी बच गया, सिर्फ एक हदीस की शराह में ना। सूरतुल बकरा, सूरतुल बकरा लाइन में पढ़ दूँ। सूरतुल बकरा आया नंबर क्या है बताएं? 273। हाँ 273। हाँ यही है। हाँ हाँ यही, जी 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 यही है। सूरतुल बकरा की आयत 273। ठीक है, ये बहुत डल है, मैं पढ़ नहीं सकूँगी। ठीक है, तो ये है। ठीक है, तो आप ससम समझ गए और फिर उनको ले गए, और पता है ना आप ससम ने खाना खिलाया और फिर पूरी जमात को खिलाया, वो भी हदीस आप लोगों को पता है। तो ये होता है, तो आपको वाज़े हो गया सारा ख्वाब का। चलें अब बताएं, अब टाइम कितना है आप लोगों के पास? ख़त्म। तालिबे इल्मों में से थे जी, बना हुआ चबूतरा, हाँ जो मस्जिद नबवी में जो बना हुआ है। वो तो बहुत लोग आए हुए थे, हज़रत असहाबे सुफ़ा तो बहुत लोग थे ना, कुछ इधर उधर बैठ जाते। हाँ छोटा सा चबूतरा बना हुआ है, छोटा सा, यानी ये कारपेट जितना, ये कारपेट जितना होगा, इतना ही होगा। तो वो तो दुबले पतले भी होते थे, हमारी तरह तो खाना ही नहीं होता था उनके पेट में बेचारे। तो वो क्या कहती बीबी आयशा दिलानो कि हमारे घर में तो चूल्हा ही नहीं जलता था, हम तो दो काली चीज़ों पे गुजारा करते थे, खजूर और पानी पे ना, खजूर और पानी पे। तो अब कितना टाइम है हमारे पास? तो अगली हदीस हो सकती है। हाँ चलें, अब आप लोगों के पास कौन सी हदीस आ रही है? हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न यूसुफ़ा। अच्छा, इसमें कोई बात ना क्लियर हुई, अब आपको तीनों आपको दुआएँ भी आ गई, क्या क्या पढ़ना है, वैया का नस्तीन में है। ठीक है, और एक बुरी, और ये पूरी हमने तफसीर कर दी, जो अल्लाह ताला नेक लोगों को अच्छे ख्वाब देते हैं। देखिए एक तो जी, सही सही, अच्छा सवाल कर ली, इनको मैं क्लियर कर दूँ। देखिए एक तो होता है ना कि बुरा ख्वाब होता है ना, जो शैतान की तरफ से होता है। पहला ख्वाब वो होता है जो हम दिन भर जो सोचते रहते हैं ना, वही आ रहा होता है हमें कि मुझे जाना है, मुझे खाना पकाना है। जैसे उस दिन आपको बड़ी टेंशन होगी ना, जैसे आपको जाना था, कहाँ कहाँ जाना था, और उन्होंने आपको फ़ोन बताया भी नहीं, ग्रीन कार्ड के लिए जाना था नहीं, तो आप पता नहीं नाइकॉप के लिए। अब चले आपको ख्वाब नहीं, लेकिन बाद दफ़ा घर में इतने काम होते हैं कि वो ख्वाब में भी वो आ रहा होता है, मुझे तो आ रहा होता है कि मैं तो जा रही हूँ, मैं तो हाँ बाद दफ़ा हम इतने टेंशन ले लेते हैं कि वो ख्वाब आता है। तो ऐसे शैतानी, और फिर दिन भर उठ के अच्छा वो ना भी, वो एक तो वो होता है कि हमारी अपनी जो ख्यालात होते हैं ना वो आ जाते हैं, अपने ख्याली ख्वाब। जी बिल्कुल सही है, जी बिल्कुल अच्छा हो ना, क्लियर कर लो, वही मैं कह रही थी पूछे। दूसरा ख्वाब ये होता है शैतान की तरफ से होता है, इतना वो परेशान करता है, परेशान कौन ख्वाब, परेशान सुबह उठ के भी आप परेशान होते हैं है ना, और दिन भर वो ख्याल परेशान करता है कि क्या होगा क्या होगा। तो आप जल्दी से ये दुआएं जो मैंने बताई ना ये कर ले, मांग ले, फिर से जाके रिकॉर्डिंग सुनेगा, और अभी हम उसको निशान भी लगा लेते हैं वैया का नस्तीन में। ठीक है, वह पेज नंबर भी हम व्हाट्सएप पर भी डाल देते हैं। ठीक है, और एक दुआ जो मैंने पढ़ी वो तो नहीं है, वो मैं डालती हूँ जो रिफत पढ़ती हैं। हाँ तो ये पढ़ लेती, ठीक है, तो ये वो पढ़ लें। ठीक है, जो शैतान, एक तो आपके ख्याली ख्वाब हो गए, बहुत अच्छा पूछा इन्होंने, क्लियर हो गया ना, क्योंकि बैठे ही क्लियर। दूसरा जो है शैतान आपको ख्वाब देते हैं, ठीक है, तो वो ख्याली ख्वाब क्या होते हैं, जो दिन भर आप सोचते रहते हैं वही आ जाता है। ठीक है, दूसरा ये है कि शैतान बाद दफ़ा बहुत परेशान आप उठते हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या क्या हो रहा है। तीसरे ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं, अच्छे ख्वाब होते हैं, और उसमें आप बहुत खुश होते हैं, जैसे कोई हरियाली देख ली तो आप बहुत खुश होते हैं। ठीक है ना, किसी ने मुझे कहा कि मैंने अपने घर के पीछे बहुत हरियाली देखी और उससे मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। ठीक है ना, अब ख्वाबों की ताबीर तो मैं नहीं आती, वो किताब है उसका भी नाम मैं दूंगी, रुया करके इब्ने सीरी की किताब है, उसमें ख्वाब है। ठीक है ना, अभी कुछ ख्वाबों की ताबीर आप ससम ने दी वो भी आ रही है हमारे पास, अभी टाइम नहीं, हो सकता है अगले दिन अगले वो करें, तो वो अच्छे ख्वाब होते हैं। अब अच्छे ही होते हैं, और कोई कहे ना कि मैं रसूल शैतान होते हैं, और जो कुछ ऐसे वैसे होते हैं वो अपने हो, बिल्कुल सही। तीन क्लियर हो गए ना, तो अब आपको सब क्लियर हो गए। और जब शैतानी ख्वाब आए ना, तो आप ये जो तीन दुआएं बताई गई ना वो पढ़ लें। ठीक है, दो वैया का नस्तीन में, एक और है वो भी मैं आपको जो पढ़ी ना मैंने वो व्हाट्सएप पे हम आपको भेज देंगे, ये दुआएं पढ़ लें। ठीक है, और अच्छा ख्वाब तो किसी नेक आदमी को बताएं, बुरे ख्वाब तो कभी किसी को नहीं बताएं कि वो परिंदों के परों पे मुअल्लक होते हैं, और जब आप कोई बताया आपने, किसी ने उसकी ताबीर दे दी कि तुम्हारे साथ तो ये होगा, तो वो वाकई नाफिज हो जाता है, वाकई हो जाता है, परिंदा जैसे कि नीचे उतर आया इस तरह हो जाता है, वो ज़िंदगी में हो जाता है। इसलिए जो है ना, बुरे ख्वाब तो कभी भी किसी को नहीं बताएं, क्योंकि वो तो हकीकत है ही नहीं,
وہ تو احلام ہے نا, اس کو حدیث میں بھی احلام کہا گیا نا اس کو, کہ وہ تو پریشان فیضہ حلما. دیکھیں یہ لفظ دیکھیں آپ, ول من اللہ والحلم من الشیطان, حلم و شیطان کی طرف سے, حلم ہے نا, حلم من الشیطان شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. تو ہو گئے تینوں خواب کی. اور پھر ہم نے یوسف علیہ السلام کا اچھا خواب سنا, اور پھر جو ہے آپ دیکھیں کہ روایت میں آتا ہے کہ وہ 40 سال بعد پورا ہوا, کوئی کہتا ہے 80 سال بعد پورا ہوا, واللہ عالم اس کو دل دیر بہت لگی. ہم دعا مانگ کے بھی جلدی کرتے ہیں, اچھا خواب دیکھ کے بھی جلدی کرتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ نسلوں میں بھی آ جاتا ہے. کبھی ابراہیم علیہ السلام نے 4000 سال پہلے دعا کی, وہ 2500 سال بعد پوری ہوئی, اور ابراہیم علیہ السلام تو دنیا میں تھے بھی نہیں, اور مکہ کی سرزمین پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوتے ہیں, اور ہم امت محمدیہ بیٹھی ہوئی ہیں, اور آج اس قرآن و حدیث کو پڑھ رہے ہیں سب لوگ, ہم ساری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں وہ پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے کہ صبر کرنا چاہیے. تو کلیئر ہو گیا, واضح ہو گیا. اور آپ دائیں طرف ہیں تو بائیں طرف کروٹ کریں, تھتکاریں, ٹھیک ہے. ابھی بہت سی چیزیں آ رہی ہیں, یہ تو میں نے یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا, کچھ تفاصیر آپ سب نے بھی بتائی ہیں, لیکن ابھی ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. ایک حدیث کو پورا کرتے ہیں, بس کتنے ہمارے پاس 5-7-3 ہی منٹ ہے نا. ہاں دو دستک صحیح ہے, چلیں ٹھیک ہے. حدثنا عبداللہ ابن یوسف اخبرنا مالک عن سمیع مولا ابی بکر عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر فی یوم 100 مرة کانت لہ عدل عشری رقاب وکتبت لہ 100 حسنة ومحیت انہو 100 سیاح وکانت لہو حرزن من الشیطانی یومہ ذالک حتی یمسیا ولم یاتی احد بافضل مما جاء به الا احد عمل اکثر من ذالک. ٹھیک ہے, یہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا, ہم کو امام مالک نے خبر دی, انہوں نے سما سے جو ابو بکر کے غلام تھے, انہوں نے ابو صالح زکوان سے, انہوں نے ابو ہریرہ سے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر دن میں 100 بار یہ کلمہ پڑھے میرے ساتھ پڑھیں, لا الہ, چوتھا کلمہ, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, تو اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا, اور 100 نیکیاں اس کے اعمال میں لکھی جائیں گی, اور 100 برائیاں اس کی مٹا دی جائیں گی, اور وہ سارے دن شام تک شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا, اور اس کو اور کوئی اس سے بہتر عمل لے کر نہ آئے گا مگر جو اس سے بھی زیادہ کلمہ پڑھے. اب یہ دن میں 100 بار پڑھنا تو لازمی علاج ہے ڈپریشن کا, کیونکہ شیطان پاس ہی نہ پھٹکے گا. جب شیطان پاس ہی نہ پھٹکے گا تو نہ آپ کو وہ غمگین کرے گا, نہ وہ ڈپریشن میں ڈالے گا, ٹھیک ہے نا. کیونکہ ڈپریشن میں وہ غمگین کون کرتا ہے, شیطان کرتا ہے کہ ہم سارے کاموں سے پیچھے رہ جائیں, اچھے اچھے کام نہ کریں. ڈپریشن میں یا بہت کھانا کھا کے موٹے ہو جاتے ہیں, بعض لوگ بہت سو جاتے ہیں کہ چلو اب کچھ بھی نہیں کرنا ہے. تو اور اس کے بعد ہم و غم کی دعا بھی ہے نا, ویہ کنستعین میں اللہم انی اعوذ بکا من الہم و غز میں ہے نا, اللہم انی اعوذ بکا من الہم, یہ والی دعا بھی پڑھ لیجیے گا, اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن والعجز والکسل والدین والقہر الرجال, یہ والی دعا بھی ویہ کنستعین میں, تو یہ بھی آپ اس پہ ڈال دیجیے گا واٹس ایپ, چاہے اسکرین شاٹ لے کے ڈال دیجیے گا, ٹھیک ہے نا. تو ہم و غم کی دعا بھی پڑھ لیجیے گا. تو یہ اب آپ دیکھیں, آپ نے سنا تھا نا کہ چوتھا کلمہ کے اتنے فائدے ہیں, اب کیا ہوا, آپ کو علم الیقین ہو گیا, علم آ گیا نا, آپ نے دیکھا, عین الیقین ہو گیا, آپ نے آنکھوں سے دیکھ لی حدیث, علم الیقین علم آیا آپ کے پاس, عین الیقین آنکھوں سے دیکھ لیا, اور حق الیقین کیونکہ آپ کو یہ بتا رہی صحیح بخاری کتاب کے, یہ حق ہے یہ پڑھنا. اب آپ کا اس کا کنوینشن جو ہے بہت زیادہ, اس پہ آپ کا کنوینشن ہو گیا نا, تو اب آپ جو ہے آپ دیکھیں ہم چوتھے کلمے پہ کر لیتے ہیں. پھر خوابوں کی تو اور مزید بھی ہے, ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کریں گے, کیونکہ اس کا ہمارے پاس ٹائم نہیں, انشاءاللہ ابھی کافی ہے خوابوں پہ تو نا, تو ہم جی نیکسٹ ٹائم کریں گے. تو آج ہم اس پہ کر لیتے ہیں, کم از کم ہمیں اس کی عادت ہو جائے, کس کی, چوتھے کلمے کی نا, چوتھے کلمے کا ہمیں عادت ہو جائے کہ ہم اس کو کنوکشن سے پڑھیں, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن بھر میں 100 مرتبہ یہ کلمہ کہے اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا. نمبر ایک تو یہ ثواب ملا, نمبر دو 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی, جو نیکیاں آپ نے کی بھی نہیں ہیں صرف اس کلمے سے لکھی جائیں گی, 100 برائیاں اس سے مٹا دی جائیں گی. کتنی برائیاں کر لیتے ہیں, غیبت کر لیتے ہیں, کیا کیا کر لیتے ہیں,
لیکن کبیرہ گناہ کی بات نہیں ہو رہی, سب صغیرہ صغیرہ. دس درجات بلند کیے جائیں گے, اگر درجے بھی بلند ہو جائیں تو بہت بڑی بات ہے. شام تک شیطان سے محفوظ رہے گا, کوئی اور شخص اس سے بہتر عمل لے کر نہ آئے گا مگر جو اس سے بھی زیادہ یہ کلمہ پڑھ لے. اگر صبح 200 تک بھی پڑھ سکتے ہیں, یہ تو آپ پر ہے کتنا پڑھیں. اگر صبح یہ کلمہ پڑھ لے تو شام تک, اور اگر شام کو پڑھ لے تو صبح تک شیطان سے محفوظ رہے گا. فجر یا عصر کے بعد اگر 10 بار یہ کلمہ پڑھ لے, فجر کی نماز کے بعد آپ بیٹھے ہیں نا تو تشہد کی حالت میں ہی ہے نا, ابھی آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے یوں پیر موڑے ہوئے ہیں, ابھی آپ تشہد کی حالت میں ہیں, تو اس میں آپ یہ ایڈیشن کریں گی, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. سب یہ پڑھتے ہیں, لیکن ایک ہمیں ریویژن ہو رہا ہے, ایک ہمیں کنوکشن ہو رہا ہے, عین الیقین ہوا, آنکھ سے دیکھی ہم نے حدیث, علم حاصل کیا, علم الیقین ہوا, اور حق الیقین, یقین کہ یہ حق ہے, پڑھنا ہی پڑھنا ہے, اس کا اجر ہی ہے, پتہ تو تھا لیکن اب ہمیں اور زیادہ یقین ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس اگر صبح یہ کلمہ پڑھ لے تو شام تک, اور شام کو پڑھ لے تو صبح تک شیطان سے محفوظ رہے گا. فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد اگر 10 بار یہ کلمہ پڑھ لے تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 2 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اگر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے نا, بعض لوگ ٹرین پکڑ رہے ہوں گے, اپنی گاڑی نکال کے چلا رہے ہوں گے اور جہاں نماز پہ نہیں بیٹھ سکیں گے, تو اللہ کیا فرمایا کہ بھائی 10 ہی بار پڑھ لو, کیونکہ 10 بار تو بیٹھ کے پڑھ سکتی ہیں نا جہاں نماز پہ, تو کیا ہوگا, 2 غلام آزاد کرنے کا ثواب مل جائے گا. جو شخص دوسری روایت کے مطابق, اب ایک اور روایت ہے, یعنی کہ ورائٹی دی جا رہی ہے نا, ورائٹی دی جا رہی ہے کہ اس طرح بھی پڑھیں اس طرح بھی پڑھیں, تو دوسری روایت کے, لیکن جب 10 بار پڑھیں گی نا تو یحیی و یمیت بیدہ الخیر پڑھیں گی ساتھ میں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو چوائسیز ورائٹی دی ہے. دوسری روایت کے مطابق مندرجہ ذیل کلمے کو پڑھنے کی فضیلت, جو شخص یہ کلمات ادا کرے اگر رات کو سونے سے پہلے پڑھ لے تو اسلحہ بردار فرشتے ساری رات اس کی حفاظت کریں گے, بستر پہ بھی پڑھ لے رات کو سونے سے پہلے, یوں ہی وہ امید بھی یہ دل خیر اس میں ملائیں گی. ٹھیک ہے, تو اسلحہ بردار فرشتے کھڑے ہو جائیں گے, سیکیورٹی الارم لگاتے ہیں, سیکیورٹی والوں کو اتنے پیسے لگا دیتے ہیں نا ADT اور پتہ نہیں کون کون سی, اب تو جو ہے سیکیورٹی کمپنیز ہیں, تو یہ تو نہ پیسے دینے نہ کچھ کرنے, صرف آپ کو یہ کلمہ پڑھ لینا کہ میری سیکیورٹی کرو, تو اسلحہ لے کے اسلحہ بردار فرشتے کھڑے ہو جائیں, تو کھڑے ہو جائیں 10 نیکیاں. پھر کیا ہوگا, اگر فجر کی نماز کے بعد تشہد کی حالت میں بیٹھے ہوئے آپ سلام پھیرتے تو اس طرح ہوتے ہیں نا, تشہد کی حالت میں ہوتے ہیں تو اسی حالت میں بیٹھے رہیں, اور بات کرنے سے پہلے, بات بھی نہیں کریں گے کسی, 10 بار پڑھ لیں تو اس کے لیے ایک, اب یہ تیسری ورائٹی آپ کو آ گئی, پڑھ لیں تو اس کے لیے 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی, اور جو ہے صرف 10 بار پڑھنے سے, اور 10 برائیاں اسے مٹا دی جائیں گی. یہ شرط ہے کہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے سلام پھیرا, ابھی آپ تشہد کی حالت میں پیر موڑے ہوئے ہی ہیں تو یہ پڑھیں گے تو 10 نیکیاں, وہاں 2 نیکیاں, 2 غلام آزاد کرنے کا ثواب تھا, 10 نیکیاں اس کے اعمال نامے میں لکھی جائیں گی, 10 برائیاں اسے مٹا دی جائیں گی, 10 درجات بلند کیے جائیں گے, شام تک شیطان سے محفوظ رہے گا, شرک کے علاوہ اس دن کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یاد رکھیے گا, شرک کبھی نہیں معاف ہوتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین اور آسمان کے برابر جو ہے گناہ لے کے ملو اور مجھ سے توبہ توبہ شرط ہے, توبہ استغفار کر لو, اور توبہ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ نہیں کروں گی, یعنی کہ کرے جاؤ اور کرے جاؤ تو میں معاف کر دوں گا, لیکن میں شرک کو نہیں معاف کروں گا, جو شرک کرتا ہے اس کو نہیں معاف. اور اگر صبح کی نماز اور مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لے تو اس کو 7 باتیں عنایت ہوتی ہیں, اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد بھی آپ ایسے بیٹھ کے پڑھیں گی تو 7 باتیں عنایت ہوں گی, نیکیاں اس کے اعمال نامے میں لکھی جائیں گی, 10 برائیاں اسے مٹا دی جائیں گی, نمبر 3 درجات بلند کیے جائیں گے, نمبر 4 صبح شام تک شیطان سے محفوظ رہے گا, نمبر 5 جانے آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا, نمبر 6 ہر مکروہ چیز سے محفوظ رہے گا, کوئی بھی مکروہ چیز جو ہے نا, غلط خراب چیز اس سے محفوظ, نمبر 7 شرک کے علاوہ اس دن کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. فجر کے بعد 100 دفعہ تشہد کی رات میں بیٹھے ہوئے ان کلمات کو پڑھ لے تو اس کا یہ عمل اہل زمین میں سب سے زیادہ افضل ہوگا. تشہد کی حالت میں اہل زمین میں جتنی عبادت کرے اس یہ عمل اس سے زیادہ افضل ہوگا. چھوٹی چھوٹی نیکیوں, ہماری عمریں کم ہیں نا, تو اللہ نے ہمارے لیے چھوٹی چھوٹی عبادتوں میں, چھوٹے چھوٹے اذکار میں بڑی بڑی جنتیں لکھی, الا یہ کہ کوئی, کیونکہ ہماری 1000 سال تو عمر نہیں ہے, الا یہ کہ کوئی اور یہی عمل کرے 200 دفعہ کا ذکر بھی ملتا ہے. بازار میں داخل ہوتے وقت کیا پڑھیں گی, اس سنت سے ثابت ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر, ہاں نہیں, پھر اس کے بعد وہ ہے ابدا یا ذوالجلال والاکرام,
اس کے ساتھ یہ بتائیں گے ابداً ابدا یا ذو الجلال والاکرام بھی یہ دل خیر وہو علی کل شیء قدیر. تو بازار میں جانے کے وقت کی دعا بھی شامل ہے. ان کلمات کی اتنی فضیلت کیوں؟ کیونکہ اس میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, وحدہ وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. شرک کی نفی ہو گئی. اس کی بادشاہت اور تعریف کی کا اس بات ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک, اس کی بادشاہت ہے نا, اس کے لیے بادشاہت ہے. لہ الملک, اور اس کی تعریف بھی آپ نے کی, وہو علی کل شیء قدیر, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور اللہ کی یہ تین صفات کا ذکر ہے. تمام انبیاء نے بھی یہ کلمات پڑھے. یہ عرفات کے دن کا افضل ترین ذکر ہے. عرفات میں جہاں اللہ تعالیٰ گردن عرفات کے میدان میں آزاد کرتے ہیں اور لوگوں کو رہائی دیتے ہیں دوزخ سے, تو اس دن کا بھی یہ بڑا اچھا عمل ہے. چلے واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. درود شریف سب لوگ پڑھ لیں. درود شریف پڑھیں جی. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعانی وإیاکم بالآیات القرآن الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.